दोस्तों आज है तीज का त्यौहार और कल से हमारे गणपति बप्पा विराजमान हो रहे हैं और आज से हमारे शहर में गणपति जी का जो आगमन होता है वो शुरू हो रहा है। और अभी मैं सबसे पहले संस्कार के पंडाल में आ गया हूँ। हाथीताल में जो मैंने आपके गणेश जी दिखाए थे जो हनुमान जी के स्वरूप में बन रहे थे, वो आज उनका आगमन है। बाहर सारी तैयारियां चल रही हैं, ढोल भी आ गया और सारी समिति खड़ी हुई है। बस लास्ट साल की जो प्रिपरेशन, जो आंख वाला जो काम होता है, जो थोड़ा सा कलरिंग वाला प्रोसेस होता है, वही बाकी है। इसके बाद इनका आगमन शुरू होगा। आई एम प्रेटी मच श्योर कि आज वाले आगमन में, क्योंकि ये पहला आगमन है मेरा इस सीरीज का, तो बहुत मजा आने वाली है। और दिन भी अच्छा है, धूप नहीं है, बादल छाए हुए हैं, तो मौसम काफी बढ़िया है। बप्पा को लेके जाएंगे और पूरे धमाल के साथ लेके जाएंगे। तो लगा लीजिए ईयरफोन्स, क्योंकि आपको पता है भैया वीडियोस नहीं वॉइस बनाते। दोस्तों ये बने हैं बप्पा, इस साल संस्कार ने बनाए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप देख सकते हो क्या ही प्रॉपर कलर हुआ है। एंड संस्कार ने और उनके फादर जो है, उन्होंने जान बूझ कर यानी सारी चीजें मानकर नेचुरल कलर रखा है। इनमें बेसिकली जो वायरल हुए हैं वो डल कलर हुआ है, पर ये कलर ना ज्यादा नेचुरल लग रहा है और ये ज्यादा उठकर दिख रहा है। एंड खुशकिस्मती की बात यह है कि ये मेरे घर की वाली कॉलोनी में ही बैठ रहे हैं, ये मुझे अभी पता चला है, पहले पता नहीं था। शक्ति नगर इनका एड्रेस है जहाँ पर ये विराजमान, आप इजीली आ सकते हो शक्ति नगर गुप्तेश्वर में। आपको एड्रेस बता दे रहा हूँ, जरूर देखने आइएगा इनके पंडाल को। बाहर जो है वो रोल चालू होने वाला है, क्योंकि बस अब आगमन शुरू होने वाला है बप्पा का। यहाँ पर इस जुलूस में जाने के लिए हनुमान जी भी तैयार हो रहे हैं। देखो आप, ये भैया हनुमान जी बनेंगे। एक बप्पा संस्कार ने ये वाले बनाए हैं, उसने साल दो ही मूर्तियां बनाई हैं और दो ही प्रतिमाएं क्या सुंदर लग रही हैं भाई। ये महाराज पैटर्न में बने हुए हैं, आप देख सकते हो बड़े ही सही लग रहे हैं। एंड इनका आगमन शाम को होगा। अभी इनके जस्ट सामने जो हनुमान जी वाले बप्पा रखे हुए हैं वो जाने वाले हैं। सो ये सब पंडाल खुल रहा है ताकि आराम से प्रतिमा बाहर निकल सके। पूजा शुरू हो रही है प्रथम आरती, और इसके बाद फिर आगमन शुरू होगा। एंड बस अब आरती के बाद ढोल चालू हो जाएंगे एंड आगमन शुरू हो जाएगा। दोस्तों हनुमान जी भी तैयार हो गए हैं, बप्पा भी तैयार हैं, पूजा भी हो गई है और ट्रॉली भी आ गई है और ढोल भी तैयार है, और अब आगमन शुरू होगा। भीड़ भी लग गई है, समिति भी है और आजू बाजू वाले जो लोग कहते हैं वो भी है। और ये प्रसाद बट रहा है, ट्रॉली यहाँ आ गई है, यहाँ से बस लेके आएंगे। क्या मेहनत लगती है भाई, क्या मेहनत लगती है। प्रतिमा तो बड़ी बन जाती है पर उतनी ही मेहनत लगती है, लेकिन हो जाता है यार, नाम लो तो सब कुछ हो जाता है, ये देखा है मैंने इतने सालों में। आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो ना प्रभु से या माता जी से, तो फिर वो इजीली हो जाता है, दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों बढ़िया तरीके से पप्पा को विराजमान कर लिया गया है, उनकी ट्रॉली पे अच्छे से रस्सियाँ बांध दी गई हैं, सिक्योरली लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, पानी का मौसम हो रहा है, और बाहर जो है वो ढोल भी तैयार है, अब बस बाहर ही निकालना है।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला आगमन गणेश जी का। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट टॉपिक। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और चिल्ड्रन, जीत रही है। बाय बाय।